हेलो भाई और बंधु, आज तारीख हो चुकी है 10 जनवरी 2021। पोष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रविवार शाम 4:53 रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट देने का जैसा देखकर 14 लाख ठगने का आरोप, मुकदमा दर्ज। शहर के सेक्टर 3 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी कृष्ण यदुवंशी की शिकायत पर कसौला थाना पुलिस ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रबंधन समिति के एक सदस्य के खिलाफ फ्लैट देने के नाम पर 14 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में मामला दर्ज किया है। ग्राम सचिव परीक्षा में 3 लेयर जांच से होकर गुजरे परीक्षार्थी। आपको बता दें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित ग्राम सचिव पद की परीक्षा के लिए पहले दिन परीक्षार्थी कम ही हाजिर हुए। 60% विद्यार्थी आ पहुंचे, जिसकी वजह 150-200 किलोमीटर दूर होने की वजह से विद्यार्थी आ नहीं सके। और आपको बता दें, करनाल और पानीपत जिलों की परीक्षार्थी यहाँ पर रेवाड़ी के लिए पेपर देने आए हुए थे। लड़की नवनियुक्त नगर पालिका चेयरमैन की मार्कशीट को लेकर मामले में आयोग ने मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें, धारोड़ा के नगर पालिका के चेयरमैन पद पर चुनाव जीतने वाले कंवर सिंह की 10वीं की मार्कशीट मामले में मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी संदीप बोहरा की शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग ने DC से इस मामले में रिपोर्ट की तलब की है। आपको बता दें, बोहरा सिंह ने जो संदीप बोरा जो सेकंड नंबर पे आए थे, उन्होंने शिकायत की है कि कंवर सिंह जो 10वीं मार्कशीट दिखाई है, वह द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन में दर्शाई गई है तथा 2 जुलाई 1981 में परीक्षा पास की थी। उस समय हरियाणा के इस तरह का कोई बोर्ड नहीं था, तो यहाँ तक कि सर्टिफिकेट में स्कूल का नाम तक अंकित नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र सर्टिफिकेट के हिसाब से 56 साल है। ऐसे तो अपने छोटे भाई से भी छोटे हो गए। और वहीं फार्म पर भी एक जगह उम्र 60 साल दर्शाई गई है। इन्हीं आरोपों पर आयोग ने संज्ञान लिया है। कंवर सिंह ने कहा था कि 10वीं की जो मार्कशीट है वो सही नहीं है, उसके ऊपर कई खामियां नजर आती हैं। जबकि शिकायतकर्ता कंवर सिंह ने कहा कि जो शिकायतकर्ता हैं वो हार नहीं पचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब फार्म को IAS HCS स्तर के अधिकारी फार्म को जानते तो फिर मार्कशीट में सवाल उठाने कोई गुंजाइश नहीं गई है। ये सब कंवर सिंह ने कहा है। आपको क्या लगता है कि धारोड़ा के नवनियुक्त चेयरमैन ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई होगी? अगर आपको जो भी लगता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पत्नी के इलाज करवाने के लिए बेचा था प्लाट, लेकिन पूरी रकम नहीं चुकाने के आरोप। कार्रवाई की मांग करते हुए धारोड़ा निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन की शिकायत को भेजकर कुछ लोगों के द्वारा उसके पैसे नहीं दिए जाने के आरोप लगाते हुए न्यायिक में गुहार लगाई है। इसके लिए शिकायतकर्ता ने मानसिक परेशान होने तथा कदम उठाने की भी चेतावनी दी है। धारोड़ा निवासी नरेंद्र शर्मा ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजी शिकायत में कहा कि दिसंबर 2017 में उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो कोमा में चली गई। अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने 50 लाख में अपना प्लॉट बेचा था, उस समय तो उसको 3 लाख रुपये मिल गए थे, लेकिन अब उन्हें ना तो रुपये मिल रहे हैं ना ही वो प्लॉट वापिस दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। आपको बता दें, खंडोड़ा में घर के सामने खड़ी पिकअप हुई चोरी। बावल थाना क्षेत्र के गांव खंडोड़ा से चोर शुक्रवार की रात को बदमाश घर के बाहर खड़ी एक पिकअप को चुरा कर ले गए। शनिवार सुबह जब पिकअप गायब मिली तो चोरी घटना का पता चला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिन का अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री से बढ़कर 17.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम लगातार अपनी करवट बदल रहा है और मौसम बदलता जा रहा है। पहले शुक्रवार की रात को ठंड थी, लेकिन फिर शनिवार को दिन में तापमान 17.5 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे सर्दी से राहत मिली है। 13 से 16 तक ITI में रिक्त स्टॉक पर दाखिले होंगे। राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त स्टॉक के प्रति संस्थान स्तर पर ऑन द स्पॉट एडमिशन किया जाएगा। यह विद्यार्थी के हित को देखते हुए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा की ओर से निर्देश दिए गए हैं। दाखिला पोर्टल पर आए आवेदन भी 8 जनवरी से जारी है और यह 16 जनवरी तक प्रत्येक दिन किया जाएगा। इस दाखिले प्रक्रिया में कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। विद्यार्थी मौके पर पहुंचकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। मूल दस्तावेज 11 तक जमा करवाएं, नहीं तो दाखिला कैंसिल होगा। ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, प्रिंसिपल ने ऐसा कहा है। आज की खबरें की यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखना ना भूलें।